T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से रौंद डाला। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव की जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड से अपना बदला पूरा किया है। अब इंग्लैंड की टीम की शर्मनाक हार और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर बड़ा बयान दे डाला है साउथ अफ्रीका के पूर्व महान खिलाड़ियों ने। एविड विलियर्स से लेकर डेल स्टेन, जैक केली से लेकर फैब डु प्लेसिस जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या बोला है, आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में हमारी भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा ने आगे से कप्तानी करते हुए उन्होंने गजब की बल्लेबाजी की। आपको बता दें, उन्होंने मात्र 39 गेंदों में 57 रन ठोके, 6 चौके, 2 छक्के लगाए। इसके बाद रही सही कसर पूरी करी सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जडेजा ने। सूर्या ने 47 रन बनाए, 36 गेंदों में 4 चौके, 2 छक्के लगाए। हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 23 रन बनाए, 1 चौका, 2 छक्का लगाया और जडेजा ने 9 गेंदों में 17 रन बनाए। जड्डू ने अपनी पारी में 2 चौके लगाए और इस तरीके से भारतीय टीम ने 171 रन बनाए। एक मुश्किल विकेट पर भारतीय बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 172 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया था और इंग्लैंड की पारी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के आगे। जी हां, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने आपस में 3-3 विकेट बांटकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने भी चमत्कारी गेंदबाजी की। हरदीप सिंह, जडेजा सब ने लाजवाब गेंदबाजी करके टीम इंडिया को एक बेहतरीन जीत दिलाई और इंग्लैंड से अपना बदला भी लिया। इंग्लैंड की शर्मनाक हार, रोहित शर्मा की लाजवाब कप्तानी को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है, तो उसमें साउथ अफ्रीका के महान खिलाड़ियों ने भी बड़ा बयान दे डाला है। एबी डिविलियर्स ने बड़ी बात कहते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया का एक नया दौर शुरू हो गया है। रोहित शर्मा ने फ्रंट से लीड किया है, उन्होंने पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, इसके बाद चतुराई भरी कप्तानी करते हुए सामने वाली टीम को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दिया। दुनिया में यदि सबसे बेहतरीन स्पिनर किसी के पास है तो वो भारतीय टीम के पास है। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ने लाजवाब गेंदबाजी की। फाइनली अब इंग्लैंड का बोरिया बिस्तर बन चुका है, वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, एबी डिविलियर्स के बाद फैब डु प्लेसिस ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वाकई में रोहित शर्मा के कप्तानी की तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है और चतुराई भरी कप्तानी की है। उन्होंने अपने गेंदबाजों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, उनका हौसला बढ़ाया। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, लाजवाब। इंग्लैंड की टीम को ऐसा लग रहा था कि वो इस बार भी भारतीय टीम को हरा देगी, पर इस बार भारतीय टीम एक नई ऊर्जा के साथ आई थी जो साफ दिख सकता था। दोस्तों, फैब डु प्लेसिस के बाद जैक केलिस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भारतीय टीम ने कमाल का खेल दिखाया है, तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा के कप्तानी की, उनके बल्लेबाजी की। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने सभी बल्लेबाजों से ज्यादा रन बनाए हैं और ये दिखाता है कि वो कप्तानी पारी कैसे खेल रहे हैं। भारतीय गेंदबाज तो एक अलग लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता भारतीय टीम को रोकना आसान होगा। दोस्तों, इसके बाद डेल स्टेन ने बड़ी बात कह दी। डेल स्टेन ने कहा, मेरे को रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर बहुत पसंद है, उनके अंदर शानदार काबिलियत है लीडरशिप की, पर जिस तरीके से भारतीय स्पिनरों ने अचानक से मुकाबला पलट कर रख दिया वो अपने आप में इनक्रेडिबल था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, साउथ अफ्रीका के पूर्व महान खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की टीम का मजाक भी उड़ाया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ की है। रोहित शर्मा सबके फेवरेट हैं और जिस तरीके से इस T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेल रहे हैं, डेफिनेटली इस बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है। वैसे आपके हिसाब से फाइनल मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।